हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष, गेट सीरीज नंबर 5, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग दो प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहले प्रॉब्लम में हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जानने की कोशिश करेंगे और दूसरे प्रॉब्लम में हम लोग आइजन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 1। ठीक है, आई बाई जे के फॉर्म में एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं नंबर्स के। ठीक है, उनमें कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स हैं। यहाँ पे 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं, तो ये 3x4 का मैट्रिक्स है, इसको 3x4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज हाउ व्हाट, हमें रैंक निकालना है इसका, 4 होगा या 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा, इन चारों में से कौन सा होगा इसका रैंक। ये गेट 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली रैंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर 4 3x3 माइनर्स, बिकॉज मैक्सिमम पॉसिबल रैंक इज 3। यहां पे 4 3x3 माइनर्स हम लोग लेंगे, 3x3। अब माइनर्स क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं पहले। माइनर्स, इफ यू सेलेक्ट एनी आर रोज एंड आर कॉलम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। ठीक है, सपोज ये 3x4 का मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें आर रोज और आर कॉलम्स हम लोग चूज करेंगे। सपोज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो लेट अस टेक दिस रो 4 2 1 3 6 3 4 7 और 2 1 0 1। ये 3 रोज ले लिया हम लोगों ने, और उसके बाद 3 कॉलम्स ले लिया हम लोगों ने, 4 6 2 2 3 1 और 1 4 0। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, हमारा एक माइनर है। ठीक है, तो बाकी सबको हम लोग डिलीट कर देंगे, बाकी 3 7 1 जो लास्ट कॉलम है उसे हम लोगों ने डिलीट कर दिया है। तो ये बेसिकली हमारा एक माइनर होगा ऑफ द ऑर्डर 3x3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनर। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन रैंक की डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी ऑफ रैंक आर व्हेन इट हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अगर एक मैट्रिक्स का रैंक आर है, ठीक है, तो उसमें एक एटलीस्ट एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए। माइनर बेसिकली एक डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, उसका ऑर्डर आर होना चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरा क्या कंडीशन है, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन आर वैनिशेस, आर से जितना भी ऑर्डर हायर होगा वो वैनिश हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसका रैंक आर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3x3 के 4 मैट्रिक्स लेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहां पर मैंने 4 डिटर्मिनेंट ले लिए हैं, 4 2 1 6 3 4 2 1 0, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसके भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसकी इसकी चारों की। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी एक्सपेंशन कैसे होती है। ठीक है, 4 2 1 6 3 4 2 1 0 की एक्सपेंशन कैसे होती है, तो ये है हमारा एक्सपेंशन रूल, 4 2 1 6 3 4 एंड 2 1 0। इसको हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको अगर सपोज कीजिए फर्स्ट रो के अलोंग हम लोगों ने एक्सपेंड किया, तो क्या जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड विद 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड विद 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 4, माइनस 2, सेकेंड वाला लेंगे तो माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड कॉलम का है और फर्स्ट रो का है। एक्चुअली इसका जो साइन होगा, हर एक जो एलिमेंट है उसके आगे जो हम लोग साइन लगाएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, -1 टू द पावर i प्लस j, वे i इज द नंबर ऑफ रोज एंड j इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो i यहां पे 1 है और j जो है ये हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो -1 टू द पावर 3। ठीक है, तो -1 टू द पावर 3 माइनस होगा, तो -2 इंटू 6 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 4। ठीक है, +1 इंटू 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, 6 into 1 minus 2 into 3। अब इसको हम लोगों ने एक्सपैंड कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाइड विद 0 माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद 0 माइनस 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 6 माइनस 6, विच इज इक्वल टू 4 into -4 माइनस 2 into -8 प्लस 0, विच इज इक्वल टू -16 प्लस 16 प्लस 0, विच इज इक्वल टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, 0 आया। सिमिलरली इस डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट, तीनों का वैल्यू हम लोग एक्सपैंड करेंगे सिमिलर लाइंस में, तो हमें वैल्यूज 0 आएंगे। इससे क्या प्रतीत होता है कि जो रैंक होगा वो हमारा 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। ठीक है,
तो 3 से कम होगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, 2 बाय 2 का माइनर ले लेंगे। अब हम लोग 2 बाय 2 का माइनर लेंगे तो इसमें से हम लोग को देख रहे हैं 4263 हम लोगों ने ले लिया है, 4263 इसे हम लोग एक्सपैंड करेंगे इस डिटरमिनेंट को, 4 × 3 − 6 × 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला डिटरमिनेंट तो हो गया, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। सेकेंड डिटरमिनेंट चेक करेंगे तो 2134 चेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 4 = 8 − 3 = 5 आ रहा है। तो ये एक नॉन जीरो माइनर है, ये एक कंडीशन थी, एक नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का एक एक माइनर है, ठीक है, जिसका वैल्यू जीरो नहीं है, तो उसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स, ठीक है, 4213 634 7 2101, ठीक है, इसका रैंक हो जाएगा 2। देयरफॉर सी इज द आंसर, सी इज द आंसर 2। क्लियर है? तो दिस वॉज अवर क्वेश्चन 1, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। फॉर द मैट्रिक्स 4114 द आइजन वैल्यूज आर व्हाट? एक मैट्रिक्स 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है हमारे पास 4114 का, इसके आइजन वैल्यूज क्या है, 3 − 3 − 3 − 5, 3 − 5 और 5 − 0। ये गेट 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं, आइजन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, यहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग आइजन वैल्यूज निकालेंगे। आई क्या है, आई एक 2 बाय 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, ए था हमारा 4114, उसके एलिमेंट्स थे, माइनस लैम्डा देख रहे हैं, माइनस लैम्डा हर जगह है, ठीक है, माइनस लैम्डा इंटू आई, तो पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 0 है, तीसरा एलिमेंट 0 है, चौथा एलिमेंट 1 है, तो इसे हम लोगों ने रेस्पेक्टिवली पुट कर लिया, इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो 4 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड विथ 4 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसे हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन राइट 5 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 5 और 3, ठीक है, विच इज दिस वन सी, 3 और 5 इज द आंसर। ओके, दीज आर द आइजन वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, 2 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखे जिसमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और आइजन वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करना है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।